तो गाइस यहाँ पर फेसबुक पर काफ़ी सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही है। वो जैसे ही अपने फेसबुक अकाउंट में लगे हुए जीमेल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ पर एक प्रॉब्लम इस तरीके का देखने को मिल रहा है, यू कांट मेक दिस चेंज एट द मोमेंट, ऐसा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे, आखिर इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप अपने जीमेल आईडी को किस तरीके से अपने अकाउंट से रिमूव कर सकते हो, उसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। काफ़ी सटीक तरीका मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर सिंपल आपको facebook.com पर आ जाना है। facebook.com पर आने के बाद मैंने अपने फेसबुक आईडी को पहले से यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने अपने आईडी को यहाँ पर लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपने उसी फेसबुक आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपके फेसबुक आईडी का यहाँ पर होम ओपन हो जाता है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। सिंपल वो करना क्या है, आपका जो ऊपर यहाँ पर यूआरएल दिखता है, जो ऊपर आप यूआरएल देख रहे हो m.facebook.com का, तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो https://m.facebook.com ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो लास्ट में यहाँ पर स्लैश है, जस्ट इसके बाद आपको लिख देना हैक्ड, कुछ ऐसा कीवर्ड आपको यहाँ पर लिख देना है, हैक्ड आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर हैक्ड लिखने के बाद सिंपल आपको गो कर देना है। यहाँ पर गो करने के बाद अब आप देखो सीधे आप इस तरीके के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पर तो कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है नीचे। अब कंटिन्यू करते ही आप और नए इंटरफेस पर जाओगे, यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पर चेकिंग होगा, कुछ टाइम यहाँ पर लग सकता है। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपल आपको फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे आपके अकाउंट का एक नया पासवर्ड मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर बना देना, आपका करंट पासवर्ड मांगा जाएगा, देन आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाल देना। तो मैं भी सबसे पहले एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपल को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद पहला स्टेप आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आप देख पाओगे ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा। देन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या यहाँ पर कोई ऐसा ईमेल आईडी जो कि आपका नहीं है, जो कि आपके अकाउंट में लिंक्ड जीमेल आईडी है लेकिन वो आपका नहीं है। तो यहाँ पर आप जिस समय मैंने जीमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हो उस पर आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आप देख रहे हो जीमेल आईडी आपका डिलीट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आया सिंपल आपको कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, सब कुछ आपको कंटिन्यू करते जाना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप सब कुछ यहाँ पर कंटिन्यू कर दे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा गो टू न्यूज़ फीड। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फेसबुक अकाउंट का होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन इस तरीके से अपने अकाउंट के जीमेल को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका जीमेल आईडी आपके फेसबुक अकाउंट से रिमूव हो जाएगा काफ़ी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो मेरा फेसबुक आईडी यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यही तरीका था दोस्तों जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम आने के बाद भी अपने जीमेल आईडी को डिलीट कर पाओगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।